खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन, खरगोन नगर, कसावत, महेश्वर, बड़वा, सनावत, गोगावा, भीकनगांव, झिनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9925046607। खरगोन में 1 जून को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत 300 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम संपन्न करवाया जाना था, जिसमें से केवल 120 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन होने की दशा में युवक युवती जिला मुख्यालय पहुंचे और कार्यक्रम में सभी जोड़ों का विवाह करवाने की मांग की। बताया जा रहा है कि नगरपालिका ने 300 जोड़ों की शादी करवाने का दावा किया। इस बीच कुल 285 आवेदन सम्मिलित हुए, जिसमें से केवल 120 जोड़ों का पंजीयन किए जाने की बात पर युवक युवतियों ने मोर्चा खोल दिया। इस दौरान हितग्राहियों की माने तो उन्होंने योजना का लाभ लेने के लिए दिन रात भाग दौड़ करके कागजात सम्मिलित किए और उन्हें योजना से वंचित किया जा रहा है। वहीं विधायक केदार डावर ने भी आयोजन में सभी जोड़ों की शादी करवाने की मांग की। पूरे मामले में नगरपालिका प्रशासन की घोर लापरवाही उजागर होती देखी जा रही है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। आज हमने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना थी निःशुल्क, उसमें नगरपालिका द्वारा हमको 300 का ऑर्डर दिया था कि 300 जोड़े आप करवा सकते हैं। तो हमने 285 फार्म जमा किए थे जो पूरी तरह से जांचे गए, परखे गए, उसके बाद में नगर पालिका ने लिए। उसमें मात्र 120 जोड़े इन्होंने ऑनलाइन किए, बाकी 165 जोड़ों को इन्होंने छोड़ दिया है। अब उनको बोलते हैं तो उन्होंने नकर करते हैं, कहीं भी ये बहाना वो बहाना इस टाइप से। ये जो गरीब होली वाली जो लड़कियाँ हो, गरीब लोग हैं, ये शादी से वंचित रह जाए। और हमारा सिद्धांत है कि समाज को जो बिखरा हुआ है उसको एकजुट करना, इसी उद्देश्य से मिले क्या आश्वासन मिला? आश्वासन दिया है कि आपको करवाएंगे, वो कलेक्टर साहब से मिलने का बोला है। क्या नाम है आप? श्यामलाल उपाध्याय, सर्व समाज का अध्यक्ष। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना चल रहा है, उसके लिए हम दौड़ रहे थे। सर हमने सब फार्म तैयार कर लिए और सर हमारा फार्म ऑनलाइन आधे फार्म हो चुके और आधे अटक गए, तो फिर क्यों अटके हैं सर? हम इसलिए आए हैं, सबके फार्म ऑनलाइन होना चाहिए। हम एक एक फार्म लेके एक एक साइन के लिए दौड़े हैं सर, तो हमारा फार्म ऑनलाइन भी होना चाहिए सर। हमारा 1 तारीख का हो गया सर और अटक रखा है, तो हमको ये 1 तारीख को विवाह होना चाहिए। कब सम्मेलन था आपका, कहाँ पर है? सर ये कपास मंडी में है। कितने फार्म आए थे टोटल? सर 300 फार्म आए। कितने स्वीकृत हुए? 165 फार्म अटके हैं सर, तो वो भी ऑनलाइन होना चाहिए सर। और सर हमने विवाह सबको बोल दिए हैं, तो हमारा 1 तारीख को विवाह होना चाहिए सर। क्या नाम है आपका? गीता डोरी। कहाँ रहते हैं आप? नया बिला रहते हैं। हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन दिए थे नगर पालिका को, जिसका सम्मेलन 1 जून 2006 को होना है। 1 जून 2022 को होना है, जो कि 300 जोड़ों का सम्मिलित होने का आदेश है हमारे पास, लेकिन हम लोगों ने 285 जोड़ों का आवेदन नगर पालिका को सबमिट किया था, जिसमें से 120 का रजिस्ट्रेशन किया है और बाकी 165 जोड़ों को अभी मना कर रहे हैं, जिस कारण से जोड़े कारण क्या रहा है? मना क्यों कर रहे हैं सर? उनका ये कहना है कि हम कहाँ व्यवस्था करके बिठाएंगे इतने सारे को, और अभी तो ऐसे भी बहाने बना रहे हैं, ऑनलाइन नहीं हो रहा है, साइट नहीं चल रही है, अन्य समस्याएं बताए कि जोड़ों को वंचित किया जा रहा है सर योजना से। अभी क्या समस्या आ रही है? अब जैसी बच्चियाँ 1 तारीख को मतलब सम्मेलन है, आपका घर वाले परेशान हो रहे हैं? जी सर, हम सुदूर क्षेत्रों से, पहाड़ी क्षेत्रों से, बहुत दूर दूर से जोड़ों को बड़ी मुश्किल से सिग्नेचर करवा के यहाँ से वहाँ से फार्म वो करवा के लाए हैं, और ये लोग अभी फार्म लेने से भी मना कर रहे हैं और ऑनलाइन करने से भी, और ये उम्मीद है कि योजना से उनको बाहर किया जा रहा है। क्या मांग करी आपने? सर हमने ये मांग करी कि पूरे जो हमने आवेदन दिया था 300 जोड़ों का, और जिनको वंचित किया जा रहा है उन सभी को 1 जून 2006 को सम्मिलित कर योजना का लाभ देने की करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सालक राम किराड़े सर। युवा सम्मेलन में 300 फार्म भरे हैं, 120 ऑनलाइन हुए हैं, बाकी जोड़ों का ऑनलाइन हुआ नहीं है, उसको लेके आपको भी शिकायत करी थी। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री कन्यादान कन्या विवाह जो शासन करा रही है उसमें 1 तारीख को खरगोन मुख्यालय पे भी विवाह होने जा रहे हैं, जिसका पंजीयन प्रक्रिया चालू है। मेरी विधानसभा क्षेत्र से लगभग 165 लोगों ने संपूर्ण फाइल कंप्लीट करके सीओ जनपद पंचायत के माध्यम से नगर पालिका में जमा की गई। मुझे अवगत कराया, कल भी मुझे अवगत कराया, मैंने सीओ जनपद सीओ जिला पंचायत से बात की है, उनके ऑनलाइन पंजीयन नहीं हो रही, क्योंकि जो बच्चे विवाह करने के लिए तैयार हुए हैं, जो शासन की इस योजना का लाभ में सम्मिलित होना चाह रहे हैं, उन्होंने अपने कागज जहाँ जहाँ से भी करना था इकट्ठे करके लाए हैं, परेशान होकर लाए हैं, और पिछली 13 तारीख से यहाँ पे फार्म जमा है। 13 तारीख को सीओ ने साइन की है, उसमें रिकॉर्डेड है, तो उनको आज तक ऑनलाइन नहीं किया। अगर यहाँ कोई परेशानी थी तो प्रशासन को ऊपर लेवल पे अवगत कराना चाहिए था, या अगर इनकी कोई व्यवस्था नहीं थी तो पहले से ही कह देना था कि इतने लोगों के जिससे ज़्यादा आवेदन यहाँ प्राप्त नहीं करेंगे हम। ये ठीक बात नहीं हुई। मैंने मुख्यमंत्री अपने समाज कल्याण मंत्री से भी बात की है, परेशान हो रही है, समाज कल्याण मंत्री जी से भी बात की है, उनके ओएस जी से बात की है कि यहाँ निर्देश दें और जितने बच्चे जो अभी जिनका ऑनलाइन नहीं हुआ उनको ऑनलाइन करें और विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित करें। Subscribe now to most exciting channel ever.